देखा जाए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। मान लीजिए कि एफ एक्स से वाई एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमीय फलन है, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि एफ का प्रतिलोम फलन अद्वितीय होगा, यूनिक होगा। ठीक है, एफ का जो प्रतिलोम फलन आएगा वो यूनिक आएगा, यूनिक मतलब अद्वितीय होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता, वो यूनिक होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं, माना एफ इसमें है एक्स से वाई में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। आपके पास कह रहा है ना क्वेश्चन में व्युत्क्रमणीय फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, तो जाहिर सी बात है जब व्युत्क्रमणीय फलन है तो 1 1 n 2 हो जाएगा, इसलिए f इज 1 1 n 2, 1 1 n 2 हो जाएगा। जब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है तो 1 1 n 2 तो होगा ही। हम लोग क्या कर देते हैं, माना फलन f के दो प्रतिलोम फलन g तथा h है, यदि यह संभव है, क्योंकि ये संभव तो है नहीं, ये पॉसिबल तो है नहीं कि एक फंक्शन का दो प्रतिलोम हो जाए, लेकिन हम मान लेते हैं कि f जो प्रतिलोम फलन है g और h है, अगर यह संभव है तब, अगर यह पॉसिबल है तो इसका g और h दो को प्रतिलोम है, हम लोग यहाँ मान लिए। तो जब यह दोनों फंक्शन f का प्रतिलोम फलन है, तो अगर हम फंक्शन f के साथ दोनों फलनों का कंपोजिशन करेंगे तो वह आइडेंटी फलन आएगा, उनके प्रांत में आइडेंटी फलन आएगा। तो प्रांत इसका क्या हो जाएगा, जो अगर यह इन्वर्टिबल फंक्शन है तो g जो होगा किस तरह से डिफाइन होगा, y2x हो जाएगा ना, y2x हो जाएगा, और h भी अगर प्रतिलोम हो रहा है तो यह भी y2x डिफाइन होगा, तो f ऑफ g भी आइडेंटिटी फलन होगा इसके प्रांत में, तो g का प्रांत है y, तथा f ऑफ h भी क्या होगा, आइडेंटिटी होगा इसके प्रांत में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने दो ऐसे फलन ले लिए g और h, मान लिए कि ये इसके प्रतिलोम है, ये हुए फलन के प्रतिलोम है, यह संभव है तो, ठीक है, अगर यह संभव है तो, और हमने देखा कि जब यह प्रतिलोम फलन है तो उनके साथ उस फलन का कंपोजिशन करने पर आइडेंटिटी आएगा, उसके प्रांत में आइडेंटिटी आएगा, चलिए आइडेंटिटी आएगा, तो दोनों आइडेंटिटी ही आ रहे हैं, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर कर सकते हैं ना, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी एक एलिमेंट ले लेते हैं वाई, और एफ ऑफ एच एक एलिमेंट ले लेते हैं वाई, वाई किससे बिलोंग करेगा, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू किससे, वाई बिलोंग्स टू वाई, है ना, इस सेट से बिलोंग करता है, देख रहे हैं ना, इससे बिलोंग करना चाहिए, इनके डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, तो इनका डोमेन तो वाई ना लिए है जी, चलिए ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखो तो यह हो जाएगा एफ जी वाई, ऐसे हो जाएगा, ऑफ हटेगा तो एफ एच वाई। अच्छा, चूंकि आपके पास एफ जो है 1 1 है, 1 1 n 2 दोनों है ना जी, इन्वर्टिबल है तो 1 1 n 2 होगा ना, अगर वह इन्वर्टिबल फंक्शन हो रहा है तो 1 1 n 2 होगा, तो चूंकि f 1 1 है तो यहाँ पे इनके एलिमेंट भी आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि इनका एलिमेंट g y और इसका एलिमेंट h y बराबर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, ये दोनों 1 1 है इसलिए यह एलिमेंट भी आपस में बराबर, आप देखें ना कि अगर f x1 f x2 के बराबर हो तो x1 x2 के बराबर हो जाता है, तो जब ये आपस में बराबर हो गए तो हमने क्या देखा था कि हमने दो यहाँ पे प्रतिलोम फलन जी और एच लिया था, लेकिन वो दोनों प्रतिलोम फलन आपस में बराबर हो गए, हमने शुरू में दो प्रतिलोम फलन लिया था कि f का दो प्रतिलोम फलन g और h है, लेकिन आगे चल के वो दोनों प्रतिलोम फलन क्या हो जा रहे हैं, आपस में बराबर हो जा रहे हैं, अतः फलन f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है, एक से अधिक नहीं हो सकता है, यूनिक होगा, इससे आदित्य है, क्योंकि हमने दो अलग अलग माने लेकिन वो दोनों आपस में आगे आगे चल के क्या हो गए, बराबर हो गए, समझ गए।